यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारियों को लेकर अक्सर उनके रवैये को लेकर शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन इन विभाग में ऐसे भी कर्मचारियों का समावेश रहता है जिससे विभाग को अच्छा अनुभव आता है। ऐसी एक मिसाल बुधवार को अकोला में सामने आई है, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी ने रास्ते पर मिले महंगे मोबाइल फोन को उसके मालिक तक पहुँचाने के बाद ही दम लिया है। बताते हैं कि शहर के नेहरू पार्क चौराहे के बगल वाले हुतात्मा चौराहा पर बुधवार को शहर यातायात नियंत्रण शाखा का कर्मचारी शेख कतिर ड्यूटी पर तैनात था। इसी बीच किसी की जेब से चौराहा पर नामचीन कंपनी का महंगा मोबाइल फोन जमीन पर गिर गया। शेख कतिर ने जमीन से फोन उठाकर उस व्यक्ति को आवाज भी दी जिसकी जेब से मोबाइल फोन गिर गया था। उसकी आवाज सुनाई नहीं देने से संबंधित व्यक्ति दूर चला गया। इसी बीच शेख कदे ने उस मोबाइल फोन को शाखा कार्यालय में लाकर पुलिस निरीक्षक सुनील किंगे से चर्चा की और वापस अपने चौराहे पर लौटाया। कुछ देर के बाद साडा नामक युवक उसके खोए हुए महंगे मोबाइल फोन को तलाश करते हुए चौराहा तक पहुंचा, जहां उसने ट्रैफिक कर्मचारी से चर्चा की। ट्रैफिक कर्मचारी ने सभी जरूरी पड़ताल करने के बाद उसे इम्तिनान दिलाया कि उनका मोबाइल फोन उसे ही मिला है जो शाखा कार्यालय में रखा हुआ है। शेख कदीर उनके साथ शाखा कार्यालय पहुंचा, जहां पुलिस निरीक्षक सुनील किंगे के हाथों साडा को उनका महंगा मोबाइल फोन लौटाया गया। शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा अकोला येथे तैनातीस असलेले पोलीस हेड कॉन्स्टेबल शेख कदीर यांची आज हुतात्मा चौकामध्ये ड्यूटी लावण्यात आली होती। हुतात्मा चौकामध्ये ते कर्तव्य बजावित असताना तेथे एक ॲपल कंपनीचा मोबाईल पडला होता, खिशामधून पडला होता। तो मोबाईल पडल्यानंतर त्यांनी नमूद व्यक्तीस आवाज दिले, परंतु ते निघून गेले। काही वेळाने मोबाईल ज्यांचा पडला होता त्यांच्या लक्षात आला, त्यांनी आमच्या अंमलदारांना विचारले की बाबा माझा मोबाईल पडला, त्यावर त्यांनी सांगितले की तुमचा मोबाईल मला खिशातून पडलेला मिळालेला आहे। त्यावर त्यांचा परिचय निघालेला आहे, ते सारडाजी आहेत। तो मोबाईलची किंमत जी आहे ती 1,20,000 आहे, ॲपल कंपनीचा मोबाईल आहे, परंतु मोबाईलच्या किमतीपेक्षामध्ये त्याच्यामध्ये जो डाटा आहे तोही फार महत्त्वाचा आहे। आणि आमचे ट्रॅफिकचे अंमलदार जे आहे असे भरपूर वेळेस कुणाचे मोबाईल पडले, कुणाच्या बॅग पडल्या, कुणाचं पॉकेट पडलं, हे असं जेही काही असेल हे आम्ही म्हणजे त्यांना शोध घेऊन त्यांचे त्यांना परत केलेले आहे। एनबीसी न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट। स्कूल कॉलेज की वनडे ट्रिप हो या बितानी हो फैमिली के साथ के मजे के पल, तो आइए नागपुर से महज 30 किलोमीटर दूर द्वारका वाटर पार्क। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल, फिश एक्वेरियम और फिश फ्लोर का मजा ले, साथ ही वाटर पार्क जहां रेन डांस, वेव पूल, वाटर स्लाइड्स और शानदार स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। द्वारका के एडवेंचर पार्क में आप अनुभव कर सकते हैं 200 फीट बंजी जंपिंग, जॉइंट विंग्स राइड, फ्लाइंग स्लिंग, 60 फीट स्लिंग शॉट जैसे रोमहर्षक राइड्स, ब्रेक डांस, डांसिंग कार्ट, मॉक का कुआ, बोटिंग, पेंडुलम राइड, रोलर कोस्टर, इन सब के मजे आप अम्यूजमेंट पार्क में ले सकते हो। रोमांचक अनुभव के लिए हॉरर हाउस में भी जा सकते हो। इसके साथ ही जंगल हाउस में मॉनिटर लिजार्ड, बर्ड्स और अलग अलग प्रकार के सांप भी आप देख सकते हो। द्वारका वाटर पार्क में आपको समस्त भारत के प्राचीन वर्तमान मुद्राओं सहित नोटों की गड्डिया और सिक्कों की विशाल प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, जो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। छोटों से लेकर बड़ों तक के हर उम्र के लिए है खास द्वारका वाटर पार्क। द्वारका वाटर पार्क, सावनी रोड, पाटन सावंगी, बाकी दरबार के पास, नागपुर।